हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी चटपटी मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी। ये बहुत सिंपल सी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम 500 ग्राम भिंडी ले लिए हैं, इसे हम अच्छे से धो लिए हैं, इसे हम बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिए हैं। आप चाहे तो अपने मनपसंद के अनुसार छोटे या बड़े टुकड़ों में भी काट सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई गरम करेंगे और जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाएगी तो इसमें हम 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें कटा हुआ भिंडी डाल देंगे और इसे 2 से 3 मिनट चलाते हुए भून लेंगे। थोड़ी देर में देखेंगे कि भिंडी का कलर चेंज हो गया है तो इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और भिंडी को ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करेंगे, तब तक हम इधर मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम 2 चम्मच सरसों डाल देंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे, 5 से 6 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपको हरी मिर्च पसंद नहीं है तो आप लाल सूखी मिर्च भी डाल सकते हैं। और इसमें हम 1/2 चम्मच जीरा डाल दिया, उसको पानी डाल के इसको हम पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेस्ट तैयार हो गया है। तब हम फिर से कढ़ाई गरम करेंगे, 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। सरसों तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी सब्ज़ी। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सरसों, उसके बाद कटी हुई हरी मिर्च है, हरी मिर्च अपने तीखे के अनुसार यूज़ करेंगे। और इसे हम पेस्ट इसमें अब डाल देंगे। जैसे ही इसको हम पेस्ट डालने के बाद इसे हम चला लेंगे तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो इसमें हम 1 चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाले हैं, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाले हैं और स्वाद अनुसार नमक डाले हैं। और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। और हम मसाले को मीडियम फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए भून लेंगे। और थोड़ी देर बाद देखेंगे कि मसाले अच्छे से भून गई है तो इसे हम फ्राई किया हुआ भिंडी डाल देंगे और इसे हम अच्छे से चलाएंगे। और मीडियम फ्लेम पर ही हम इसे भिंडी को चलाएंगे। ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। और आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।